10 रुपए दीजिए कितना जा दे दे बेकार गई है हां दे दीजिए दे दे या आएगा खाए कमाल ले ठाड़ी है लगा दे हमने मोर मोर से गाने देगा मोर से गाने देगा मोर से गाने देगा 20 का अरे 13 20 दे लेता मी दे तू मी दे रुपए टाइम मी दे तू तेल मोर ओंदे दिसती तो संदला को तो ये लंगा गाड़ी 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 से आएगा हां गाड़ी गाड़ी लगा पिछे गाड़ी दिस मोबाइल दे दादा रानी को मेहंदी सो होता है कटी हो बात है राधे 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 उरे उरे सालो सु इयररिंग्स तो उधर भी मिलता है लेकिन अच्छा है हाँ जी आदि बताओ बांसुरी से भी करता है ब्रह्मचल पर्वत में कृष्ण रहता है नंदीश्वर पर्वत में ये सखीगिरी पर्वत का सखी लोग इधर आके खेलने के कारण ये सखी पर्वत को सखीगिरी पर्वत पड़ा है सखीगिरी पर्वत का लीला है ये तो इसको ललित सखी के साथ शादी होने के कारण जावला भी बोलते अल्तापहाड़ भी बोलते तो राधा रानी के रहता है अष्टा सखी रहता है अष्टा सखी होंगे राधा रानी से दो दिन पहले जन्म लिया ललिता सखी ललिता सखी गाँव ऊंचा गाँव गाँव से गए ना गाँव ऊंचा गाँव नहीं तो ललिता सखी इधर रहते थे नहीं तो ये इधर ललिता सखी 7 साल की उम्र थी सखी लोग 7 साल के खेल उम्र में खेलने के लिए बच्चे लोग है ना खेलने के लिए आए खेलने के लिए आए तो वो राधा रानी उधर बैठा है ललिता सखी इधर बैठा है सभी लोग सखी लोग इधर बैठा है तो कृष्णा नंदगांव से कामाचरण पाड़ी इधर गाय लेके जाता है वो पीछे से आया इधर सीधर से ललिता सखी के साइड में बैठा है बैठे तो और दुंगा विद्या सखी का क्या किया ललिता सखी का कपड़ा और कृष्ण के पिताम्बर दोनों को गांठ बांध लिया शादी में बांधते ना ऐसा बांध ले तो और बच्चे लोग 7 साल के ऊपर बच्चे खेलते 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 अरे शादी हो गया शादी शादी में उतारे ये भगवान लीला कर रही ब्रह्मा आया तैंतीस करोड़ देवता आ गया द्वादश शादी किया था ये ललित अग्नि स्वयं प्रकट हो गया ब्रह्म मंत्रोच्चारण करके ललिता सखी के साथ शादी किया है श्री कृष्ण भगवान ने ललिता सखी के साथ वो छोटे काल में बचपन में जो खेलते हैं शादी 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 किया शादी करके टाइम में हाथ में मेहंदी लगा था ना वो मेहंदी का चिन्ह ये वो बचपन में जो किया था निशान है ये निशान है अरे तो वो इधर के मानते
कोई कन्या वर की शादी के पहले वो वर को शादी के पहले इधर आए तो ललिता सखी के साथ कृष्ण को विवाह के प्रस्ताव ही नहीं है, खेलते खेलते हुए शादी के सुंदर वर मिला है, गुणवान पति मिला है, ऐसी भी ऐसे पति मिलते मान ये खता ये उधर कुक को बताते हैं उधर का जो एक मिनट में बताते छोटा छोटा है ये कुआ दिख रहे ना कुछ गोभी कुक बोलते कुप मतलब गोपी को बोलते है तो उधर की है तो राधा रानी और कृष्ण को दोनों मिलने में गोपी लोग सहायता करते हैं, ध्यान देना मैया इधर ध्यान देना कहाँ पे है कुआ देख रहे सहायता करते है तो राधा रानी की लेके लेंगे कृष्ण को लेके आएंगे दोनों मिले मिलाए तो वो राधा रानी सुकुमारी है वो बहुत कोमल ये धूप में सहन नहीं कर पाते उनको प्यास लगेगा धूप लगेगा प्यास लगेगा क्या करेगा गोपी लोग अपने हाथ से कूदा है पानी वो राधा ने आया पानी पिया बाद में लेते से क्या मिलते यही पानी पीते थे यही पानी ना देते इसमें विशेषता क्या है एरिया में किधर भी जाओ कारा पानी राधा रानी पीने के बाद मीठा पानी मीठा पानी राधा भवन में भी वही पानी पीते थे राधा रानी वही मीठा पानी अभी मक्का में जाते ना साधु लोग लेके जाते वही मीठा पानी कुआ कहाँ पे है कुआ हम देखेंगे वहाँ जाके पी सकते हैं राधा रानी पिया हाँ 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 थोड़ा थोड़ा ठीक है आते हैं प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे लंबे बात वो राधे 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 पथरे पथरी अलम सारा कोई मा उल्टा दे राम पथरी हुई कुआ तो पानी भी तंगाई है कुआ तो पानी भी तंगाई मारते आहान करते आहान देखते आहान পানী সুতি পি আছে গানে কোৱা কথা সুতো আৰু মাত হয় নাই কোৱা কথা মানে পানী সুতি পোৱা বাল্টিং কেইটা আহি আছে কোন পাই কোৱা মানে পানী পিয়েছে গা ৰাধা ৰাধা ৰাণীয়ে পি আছে পানী মিঠা পানী মিঠা পানী মানে কৈ দে राधे 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 डर लगे राधे 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 আছে 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 চাহ কপি নে পি 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 নুনটো আছে কিন্তু কম্পিটিশ্যনটো সেনেকানি কম আছে মই পানী পিয়া মই আকৌ চানাটো একদম দিবছে দিবছে বহুত মানুহ আছে না
मा कादा ने जिगा को हा को न देना नाइयो करे हाय हाय राम की जय। त्रेता युग में तो अहिल्या बाई अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी, जिसका उद्धार रामचंद्र जी ने किया। और द्वापर युग में अयोध्यापुरी के राजा कुबलास हुए है, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति का यज्ञ किया, यज्ञ के प्रताप से उनके एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हो गई तो सोमवन से राजा सूरसेन से उसकी शादी कर गई और उनको घर पे जमाई रख लिया। कुछ दिन बाद दोनों सुसर जमाई ने भद्रावती के राजा सुकेतु मानसु पर हमला किया, जिसमें दोनों मारे गए हैं। अब कृष्णावती जो है विधवा हो गई। विधवा होने के बाद उन्होंने अपना नित्य कर्म बनाया, सरयू नदी में स्नान कर रही, तुलसी जी का सिंचन कर रही और विष्णु भगवान की पूजा करती। इस प्रकार 85 वर्ष की उम्र हो गई है। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहो, लेकिन अपने पूजा पाठ नित्य कर्म नहीं छोड़ो है, जैसे शरीर में स्नान किए हैं तो उनके प्राण पखे उड़ने लगे। तो भगवान विष्णु दर्शन दिए ने, अरे कृष्णावती तेरे यह पूजन पाठ से मैं बड़ो प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है प्रभु मेरी 85 साल की उम्र हो गई, वैसे तो मैं राजा की लड़की राजा को भाई कही है, कोई कमी नहीं है, परंतु प्रभु मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला, जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला, प्रभु मेरी इतनी पत्थर की छाती हो गई है कि मेरी यही अभिलाषा है कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं जिसके ऊपर बैठकर आप भोजन करें, आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। विष्णु भगवान बोले कृष्णावती ऐसा ही होगा, जब द्वापर में मैं जन्म लेंगे तब तो मैं बैठ के भोजन करूं। जब द्वापर में कृष्ण ने जन्म ले लियो, गोविंदा ने जन्म ले लियो है, तो कंस मामा था उसके तरह तरह के कृष्ण को मारने के उपाय करने लगो है। तो यशोदा मैया दुखी होके अपने मायके में, यशोदा मैया कामबन की लड़की थी, या कारण यशोदा मैया दोनों भैयान ने लेके कृष्ण बलराम को लेके अपने मायके में कामबन आ गई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने नाना मामा की गऊ चराई है और गौ चराते चराते आप एक दिन या इंद्रसेन पर्वत पे आ गए हैं। गौ तो आपने यह क्षीर सागर में छोड़ दी है और यह शिला पे बैठ के कहने लगे है, अरे बलदाऊ भैया, अरे ग्वाल मानो तुम्हारी मैया ने तुमको कहा भोजन रखो है, अपने अपने भोजन में या शिला पे रख लियो या पे बैठ के भोजन कर लियो। अब सब सखान ने अपने अपने जो उनकी मैया ने भोजन बना के दियो या शिला पे रख लिए, उनमें एक मधुमंगल पड़ा पड़ी। तो बाजी मैया ने कोई भोजन ना रखो, वो पड़ोस से 3 दिन की खट्टी छाछ मथा बोले तो उसको मान के लाए हुए। अब कृष्ण बार बार, गोविंदा बार बार कह रहे हैं, अरे मधुमंगल तेरी मैया ने कहा भोजन रखो, कहा छाछ रखी है, रख। अब सब बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन लाए बना के बाके पास 3 दिन की बासी छाछ मांग के लाए हो, अब कृष्ण के सामने गोविंदा के सामने नहीं रखे और मुंह फेर के उस छाछ को जो है पीने लगो है। जब कृष्ण ने आवाज दही नहीं जो है बोलो है तो कृष्ण खुद खड़े हुए हैं और उसके मुंह में छाछ थी, उसके गुलचा मारा, गुलचा मारा तो मधुमंगल की जो झूठी छाछ है वो कृष्ण के मुंह पे गिरी। अब कृष्ण उस छाछ झूठे के छाछ को जो है चाट रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि देखो सही कैसे प्रभु है, कैसे अवतार हो। जब उन्होंने इस झूठी छाछ को चाटते हुए देखा तो उनका जो है भ्रम हो गया, उनका विश्वास खत्म हो गया कि ये प्रभु नहीं है, ये अवतार नहीं है।
तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनकी गाय बछड़ों को आप ब्रह्मलोक गौलोक को ले गए और वर कहने लगे हैं, अरे कृष्ण अरे गोविंदा तेरी गाय बछड़े नहीं दिख रहे कहाँ है। कृष्ण ने गऊ के नाम रख रख के उनको आवाज दी, जब कोई गऊ नहीं आई है तब उन्होंने ध्यान लगाया, देखे ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को ले गए हैं, तो कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने अपनी माया से फिर कोई गाय बछड़े दिखा दिए, तो ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर भी वो गाय चल रही है और नीचे भी वो गाय चल रही है, तब उनको विश्वास हुआ कि यही अवतार है, यही प्रभु है, यही कृष्ण है। तो इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है, प्रभु आप सब ग्वालियर गमान उनको झूठन खा रहे, यामा ने प्रभु मैंने ये चोरी को कर की जो है प्रभु क्षमा करे। उसके बाद दोनों भैया में बैठ के ग्वाल वालों के संग भोजन कर रहे हैं, अपने हाथ से गोविंदा सखान को खवा रहे हैं, सखा अपने झूठो भगवान गोविंदा बलराम को खवा रहे हैं। या प्रकार जब भोजन कर लियो है जो झूठन बची है, तो अपना जो वरदान दिया था क्या आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा, तो भगवान ने जो है झूठन छोड़ी है। झूठन छोड़ने से जैसे चुहर शिला भाई नार सुहानी राम को छोड़ने से पत्थर की शिला अहिल्या भाई सुंदर नारी बन गई है, इस प्रकार भगवान ने जब भोजन कर लिए हैं तो वो कृष्णावती जो थी उसकी जो है मुक्ति हो गई है, सुंदर नारी बन गई है। और इस शिला का नाम द्वापर युग से भोजन थाली से था। राधे 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 राधे। इसमें भगवान को जो है प्रसाद रखे भोग रखे उस झूठन को आप खावे तब जो है जाके वो प्रभु जो है मुक्ति जो काम बन आए थे काम बन जाते जिस भाव পঞ্চম মেগায় কুকিলা অকরিয়া ময়ূর নাচে ঘুরে 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 আমি নাচায় না কানু নাচায়।